जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव और आप देख रहे हैं हर धावक का सबसे फेवरेट चैनल जिसका नाम है फोर्स एकेडमी फिजिकल। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन होती है दोस्तों उसे बजा दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट तुरंत आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे, अभी इंडियन आर्मी यानी कि विदिशा के अंदर भर्ती होने वाली है भोपाल एआरओ की, तो आपकी रनिंग तो डेफिनेटली आपकी हो गई है बहुत अच्छे से, लेकिन अब है अगले स्टेज की बारी यानी कि हमें बीम कैसे लगाना है। तो दोस्तों आप काफ़ी सारी गलतियां करते हैं बीम लगाते वक्त, आपको 10 बीम लगा देने के बावजूद भी आपको पूरे पूरे नंबर क्यों नहीं दिए जाते, आप बीच में क्या मिस्टेक करते हैं बीम लगाने में, आपको ये गलतियां नहीं करना है, अदरवाइज कर्नल आपको पूरे नंबर नहीं देंगे। तो आपको किन गलतियों से बचना है 40 नंबर गेन करने के लिए, 40 नंबर प्राप्त करने के लिए बीम के अंदर, हम पहले बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है यानी कि बीम लगाने का गलत तरीका, कि गलत तरीका क्या होता है, आपको इस चीज से बचना है, फिर हम आपको बताएंगे सही तरीका बीम लगाने का, और देन उसके बाद बताएंगे कि बीम लगाना अगर तो आपके बीम नहीं लग पा रहे तो आपको क्या एक्सरसाइज करना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारा तरीका कि आपका क्या क्या है, आप जो जिसके कारण से आपको पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि आप कैसे गलत लगाते हैं, मैं बताता हूं इसके जरिए कि अब ये अब जो इसने यहां पर अपनी जो दाढ़ी रख ली है यानी कि अपना सिर उसके सपोर्ट में ले लिया है बीम के, तो ये एक गलत तरीका, पहला गलत तरीका, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डाउन अप, डाउन। अब ये जो डाउन हो रहा है तो डाउन में इसकी जो एल्बो है यानी कि कोनिया है ये पूरी तरीके से खुली हुई नहीं है, ये भी गलत तरीका है, ये दो गलत तरीके से होता है इसलिए आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। तीसरा अप, ये जो टेढ़े मेढ़े होके जा रहा है बंदा और उसके बाद ऊपर जा रहा है यानी कि ये भी आपका गलत तरीका है, ये तीन गलत तरीके है जिससे आपको पूरे नंबर बीम के अंदर नहीं मिलते हैं। उत्तर चलिए, तो दोस्तों ये था गलत तरीका। अब मैं इससे पूछता हूँ कि इसे गलत तरीके में लगाने में पुनित क्या हुआ जब तुम वो थर्ड टाइम पे जो बीम लगा रहे थे इधर उधर ढोल के, अधिकतर लोगों को अपन ने ग्राउंड पे नोटिस किया है कि वो ऐसे लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है? सर होता है जैसे वो ज्यादा जितना इधर उधर ढेलेंगे उतने हाथों पर ज्यादा प्रेशर आएगा, पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी और फिर वो 10 मिनट तक नहीं लगा पाएंगे। मतलब कि सीधी बात ये है कि अगर आप डगमग डोल यानी कि आधे डेढ़ होंगे तो आपकी एनर्जी बेकार होगी और आप 10 बीम नहीं लगा पाएंगे। तो हम बताते हैं अब आपको करेक्ट कि 10 बीम आप कितनी आसानी से लगा सकते हैं, आपको क्या करना है, 10 बीम लगाने का सही तरीका, आपको नंबर कैसे मिल सकते हैं उसको बताएंगे। देन आप अगर नहीं लगा पा रहे 10 बीम तो हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे, आपको क्या एक्सरसाइज करना है आप उसे फॉलो करते रहिए। तो अब है बारी सही तरीके की। तो दोस्तों सही तरीका क्या है हम आपको बता दें, अब ये जो ऊपर जा रहा है और पेट को आपको स्थिर रखना है, ज्यादा हिलाना नहीं, डाउन से वो लगाना नहीं है बिल्कुल भी मुंह को, अब 3 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है क्योंकि 3-3 सेकंड का रहता है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो दोस्तों ये है तरीका। तो दोस्तों बताने का एक ही तरीका है कि आप अगर गलत करेंगे यानी कि यहां पर भी बीम के अंदर भी अगर आप 10 बीम नहीं लगा पा रहे हैं तो आपकी सांसों का सबसे बड़ा रोल है। आप क्या करते हैं, आप गलतियां ये करते हैं कि आप जब नीचे आते हैं तो पूरी एनर्जी को यानी कि मुंह को ऐसे, जब डाउन आते हैं तो आपको एनर्जी को छोड़ना नहीं है, मतलब कि सांसों को छोड़ना नहीं है, जब आप डाउन पे आते हैं तो आपको गहरी सांसें मतलब कि सीने के अंदर थोड़ी हवा भर के रखना है, टाइट करके रखना है, सांसें फुला के रखना है अंदर की तरफ, और जब आप अप जाते हैं तो हल्का सा ऐसे छोड़ सकते हैं, जैसे डाउन आएंगे फिर आपको भर के रखना है फिर डाउन करेंगे। अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सांसें जो सांसें की कंट्रोल करने का यानी कि आप अगर एनर्जी बचा के रखेंगे, एनर्जी मतलब सांस यानी कि आप ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं उसमें भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो इसका मतलब वही है कि आपकी सांसें परफेक्ट नहीं है। देन आप अगर वाइब्रेट कर रहे हैं आप ऊपर जाने का, अगर आपका शरीर पूरा वाइब्रेट हो रहा है तो आप लाइन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं सारी एक्सरसाइज अब बताता हूँ आपको कि आपको इन चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और आपको सांसें जब डाउन पे आते हैं तब भर के रखना है सांसें, और ऊपर जब अप करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके छोड़ सकते हैं, फिर डाउन पे आएंगे भर के रखेंगे, ऐसे करके आप आसानी से 10 बीम तक पहुंच जाएंगे। अब हम बताते हैं आपको कि क्या एक्सरसाइज करना है अगर आप 10 बीम नहीं लगा पा रहे हैं तो। दोस्तों आपको पहली चीज वाइब्रेशन के लिए यानी कि आपको क्या करना है, जब बीम लगाते हैं तो आप प्लैंक लगाएंगे, पुनीत प्लैंक डाउन हिप डाउन। अब ये जो आप प्लैंक का तरीका है आपका हाथ
जो प्लैंकिंग का तरीका है ये आपको कहाँ काम देगा, जब आप बीम लगाते हो और आपकी बॉडी कपने लगती है, यानी कि आप वाइब्रेट करते हैं, पूरा बॉडी आपका हिलता है, उससे बचने के लिए देखिए, अगर मैं बताऊंगा आपको, अगर नोटिस कर पा रहे हैं आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो ये देखिए, इसके भी ये पैर काफ़ी कंपन कर रहे हैं, यानी कि वाइब्रेट हो रहे हैं, ये इसका बॉडी वाइब्रेट हो रहा है। अगर आप ये प्लैंक लगाएंगे तो आप जब चेस्ट बीम लगाएंगे तो उस बीम में आपका बॉडी जो वाइब्रेट करता है वो बंद होगा और आप आसानी से एक चीज़ से बच जाएंगे। तो आपको ये करके रखना है, ये सारी चीज़ें अगर आप प्लैंक करेंगे तो आपको उसमें भी सपोर्ट मिलेगा, देन आपका पैर काफ़ी हैवी होगा ताकि सांसें आपकी भरी रहें। तो एक एक्सरसाइज ये करेंगे, आपको एक मिनट तक आप कंटिन्यू करें, फिर धीरे धीरे आपका टाइमिंग बढ़ाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज हुई ये वाइब्रेशन के लिए। दोस्तों अब सेकंड नंबर आता है आपका रिस्ट का, यानी कि आपके हाथों की जो रिस्ट होती है, कलाई जिसे बोलते हैं, इसका मजबूत भी होना बहुत जरूरी है। अगर ये मजबूत होगी तभी आप बीम्स आसानी से लगा पाएंगे। तो रिस्ट को आपको मूवमेंट करना है वेट के साथ में, आपको ये सारे रिस्ट के एक्सरसाइज करना है, हैंड खोल के पूरा प्रेस करना है, अप एंड डाउन करते रहना है, ये सारे रिस्ट के एक्सरसाइज है। आप अगर रिस्ट के एक्सरसाइज करेंगे तो रिस्ट का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी और आप आसानी से ये कर पाएंगे। तो दूसरा ध्यान रखना है आपको रिस्ट का। दोस्तों रिस्ट के बाद आता है आपका एल्बो का, तो एल्बो के लिए मैं स्पेशल अलग से एक्सरसाइज डालूंगा। उसके बाद आपका शोल्डर्स, आपके अगर शोल्डर्स मजबूत होंगे तो आप आसानी से बीम लगा पाएंगे। तो शोल्डर्स मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, मुझे अपने डाउन हो जाए और हैंड अप एंड डाउन का एक्सरसाइज करना स्टार्ट है। आपको प्लैंक पोजिशन खोलना है दोनों पैर के लिए और कम से कम 20 टाइम आपको हैंड अप एंड डाउन करना है, यानी कि शोल्डर्स को तोड़ना है एल्बो। चल स्टार्ट, ये शोल्डर्स के एक्सरसाइज है, अगर आप ये करेंगे तो आपका शोल्डर्स काफ़ी मजबूत होगा, आपका पैर भी मजबूत होगा। ये सारी एक्सरसाइज है, आपके पूरे जो पार्ट है बॉडी का ये सारा आपका इससे मजबूत होने वाला है। आपको ये करना है, ज़्यादा बॉडी हिलना नहीं चाहिए। तो ये शोल्डर्स के लिए, जब ये आप 20 टाइम लगा लेते हैं तो आपको फिर हैंड सपोर्ट पे एक मिनट कंटिन्यू होल्ड करके रखना है। दोस्तों पहली बार जब आप ये करेंगे तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आप एक मिनट कंटिन्यू तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शोल्डर्स में पूरा प्रेशर आएगा। आपके वाइब्रेट होने का जितना भी बॉडी के अंदर वाइब्रेट होती है, जितनी बॉडी, वो सारे तरीके यहाँ से खत्म होंगे आप एक्सरसाइज करेंगे तो। दोस्तों लास्ट है आपका बचता है रियाज, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है लेकिन मैं कुछ ही कम ही करके बताता हूँ ताकि आप भी ये कंटिन्यू कर पाएँ और जल्दी से कर पाएँ। अब रियाज बैक फ्रंट रियाज होगा, बैक फ्रंट रियाज कैसे होता है वो बता देते हैं हम आपको। पूरा थोड़ा सा लेग, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो हल्का सा। ओके नाउ स्टार्ट, अप फ्रंट डाउन बैक फ्रंट, इसे आपका बैक और शोल्डर्स दोनों के लिए होगा ये, डाउन फ्रंट बैक फ्रंट बैक। दोस्तों ये सारे एक्सरसाइज करना है आपको, अगर ये सारे एक्सरसाइज किए हैं आपने तो डेफिनेटली आपके बीम बहुत जल्दी से बढ़ने वाले हैं, यानी कि आप 10 बीम तक आसानी से पहुंच जाएंगे, और वो भी रुक रुक कर, वहाँ 3 सेकंड होल्ड करने के लिए बोलते हैं, आप 6 सेकंड होल्ड कर पाएंगे और आसानी से अपने बीम क्वालिफाई कर पाएंगे इंडियन आर्मी में, और 40 नंबर आपको आसानी से मिलेंगे। और भी मेरी एक्सरसाइज है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है बीम का, आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको और भी चीज़ें मिले करने के लिए एक्सरसाइज। हाँ बहुत सारी एक्सरसाइज है जिनका मैंने बता रखा है, ये वीडियो की जो एक्सरसाइज है आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको इन चीज़ों से परेशानी, ये जितनी परेशानी होती है बीम लगाने में, ये सारी परेशानी से बच जाएंगे आप। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में अपने वीडियो या आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो जरूरत है, उस वीडियो की आप कमेंट करिए, मैं आपको बना के दूंगा उसका वीडियो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, शेयर जरूर करें ताकि हर जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचे। जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।